नमस्कार, हम हैं राकेश तिवारी और रउआ देख रहल बानी प्लानेट भोजपुरी। आज हमनी के संगे बानी देश के जाना माना गायक जेकर नाम बा कुमार बिसू जी। कुमार बिसू जी के गायकी से भक्ति के भाव जाग जाला। तो चली आज हमनी के मिला जाओ कुमार बिसू जी से और जानल जाओ कि वहाँ के जीवन के संघर्ष के का कहानी रहे। प्लानेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को कुमार बिसू का नमस्कार। राकेश जी, आपने प्रश्न किया कि मेरी भक्ति संगीत की और संगीत जगत में शुरुआत कैसे हुई। मेरा मानना यह है कि संगीत जगत में जो भी कलाकार संघर्ष का दौर नहीं देखता, उसे सफलता का भी वो आनंद नहीं मिलता है। ठीक वैसा ही मेरे साथ आज से करीबन 25 वर्ष पूर्व हुआ, जब मैं गज़लें गाया करता था, एक गज़ल गायक था। ईश्वर ने मुझे सबसे पहली रचना एक भजन के रूप में गाने को दी और कहते हैं हर रचना पर आपका नाम लिखा होता है। कलाकार को कभी किसी रचना को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने वो रचना प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ पहली बार गाई और वो मेरी पहली रचना ही सुपर डुपर हिट हो गई और उसके बाद भक्ति संगीत में फिर मुझे पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं मिला। ईश्वर की कृपा से आज मैं इस मुकाम पर, सुनने वालों की दुआ से आज मैं यहाँ पर हूँ। कैसे संगीत के प्रति आपका लगाव हुआ, कैसे आपका जुड़ाव हुआ वो? मेरा जन्म तो मुंबई में ही हुआ, घाटकोपर में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं एक संगीत के परिवार से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और संगीत में केवल अगर कुछ मुझे प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत माता जी गाती थी तो स्वर मिल गया। लेकिन कहते हैं ईश्वर की कृपा जिस पर होती है, उसकी अनुकंपा जिस पर होती है, सफलता उसी को मिलती है। तो अधिक क्या कहूँ मैं, बम्बई से सफ़र शुरू करके मैं दिल्ली और दिल्ली से पूरे विश्व और भारतवर्ष में आज अपना मुकाम बनाया है मैंने भजनों के क्षेत्र में। आज के गायकों को क्या करना चाहिए कि वो सफल? भारतवर्ष की मिट्टी में ही संगीत है, किंतु आज जिस प्रकार की गायकी और जिस प्रकार के गायक अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं, उस विषय में मैं कोई इतना प्रकांड पंडित नहीं कि अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकूं। केवल इतना जानता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई शॉर्टकट का रास्ता इस संगीत में नहीं है। इस संगीत के रास्ते में बहुत सी परेशानियां आते हैं, लेकिन शॉर्टकट के रास्ते से अगर आप सोचें कि कुछ एक प्रोग्राम, कुछ एक एल्बम से आप सुपर कलाकार बन सकते हैं और बहुत नामचीन कलाकार बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल और केवल निरंतर अभ्यास और स्वयं का आकलन, स्वयं को आंकते रहना हर कदम पर ही आपको ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। और मौलिकता बनाएं, कुछ भी गाएँ, भले कुछ भी गाएं, वो पॉप हो, रैप हो, भजन हो, भोजपुरी हो, लेकिन उसमें अपना पुट ज़रूर रखें, अपना अंदाज़ ज़रूर डालें। किसी की नकल आपको एक मुकाम तक ले जा सकती है, लेकिन आपकी नैया पार नहीं लगा सकती सारे जीवन के लिए। यदि ये कहा जाए कि कुमार बिसू जी को किस गज़ल गायक की गायकी पसंद है और वो किसका अनुसरण करते हैं या वो किसको सबसे अपने दिल के करीब पाते हैं, तो अभी मेरा मुकाम केवल भक्ति संगीत में है। मैं ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगा। मैं खुद अपने आप को खोजता रहता हूँ कि और क्या अच्छा और क्या बेटर कर सकता हूँ। हर स्टेज पर, हर दौर में मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने मुझसे गज़ल गायकी का पूछा, तो बचपन से हम गज़ल अगर सुनते आए हैं तो जगजीत सिंह साहब की, गुलाम अली साहब की। लेकिन मेरा मानना ये है कि मुश्किल गाना गाना नहीं होता। जो गाना सबसे पहले दिल को छू जाए, भले सरल हो लेकिन मीठा हो और दिल को लगे। आज इंसान जैसा बेचैन हो गया है, जैसी भागती दौड़ती ज़िंदगी हो गई है, ठीक वैसा ही आजकल के गाने और संगीत में दिखता है, बेचैनी, तीखापन। तो वो कहीं मैं मिस करता हूँ कि वो मिठास, वो ठहराव, वो कहाँ गुम हो गया है। बस अगर वो समावेश दोबारा आज के संगीत में हो जाए तो हमारे भारतीय संगीत में उसका कोई सानी नहीं है भारतीय संगीत का। सर, आपके नज़र में गज़ल क्या है? गज़ल बहुत कम दायरे में बहुत कुछ कहने वाला एक विधा है, बहुत कुछ कह जाने वाली एक अंदाज़ है। उसकी शायरी अपने आप में इतना वज़न रखती है कि जब आप उसको किसी अच्छे कलाकार से उसकी गायकी के साथ सुनते हैं तो दिल को छू जाती है। मुझे बशीर बद्र साहब का वो कलाम याद आता है, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, जो गज़ल की सच्ची किताब है उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। बहुत गहराई होती है गज़लों में, मेरा मानना है। और इसी गज़ल को मैंने कुछ अपने अंदाज में यूँ भी गाया है, यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर
भी रहा करो यूं ही बेसबब, न फिरा करो किसी शाम घर भी रहा करो, जो गजल की सच्ची किताब है उसे चुप के पढ़ा करो यूं ही बेसबब। और जो मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना भजनों में है, जिससे मैं पहचाना जाता हूँ कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। प्लैनेट भोजपुरी के सभी दर्शकों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, चैनल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। इन्हीं शब्दों के साथ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। धन्यवाद।